हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आज हम लोग 11 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हम इन करंट अफेयर्स के लेक्चर में क्या क्या करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो एक जीरो ड्राफ्ट इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक संधि थी। इसके अलावा आज की डेट में ग्रीन ग्रोथ पर फोकस नहीं किया जा रहा है। एक काफी अच्छा आर्टिकल है जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि आज की डेट में कंट्रीज जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर, राइट? तो इसको लेकर एक आर्टिकल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर अभी इंडिया काम कर रही है कि रेन्यूएबल एनर्जी को कहीं ना कहीं हम लोग को स्टोर करके रखना है बैटरी के फॉर्म में, उसको यूज करने के लिए। तो उसके लिए काफी अच्छा एक आर्टिकल है। फिर इसके अलावा आज की डेट में फर्म्स जो कंपनीज वगैरह बड़ी बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो जनरली बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर होती है, वो आज की डेट में छोटी छोटे टाउन जो है वो ढूंढ रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इसी को लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल है कि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आज की डेट में मेट्रो से छोटे टाउन्स पे जो है वो जा रही है। फिर कुछ आंकड़ों को हम लोग देखेंगे जिसमें बात की जा रही है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, कि हमारे भारत की जेल में महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन को लेकर काफी एक अच्छा आर्टिकल है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी अच्छा आप लोगों के लिए कि जंगल को हम लोग को जो है वो मेंटेन करके रखना है, बर्बाद होने से उसको बचाना है। तो काफी अच्छा एक मेंस का एक आंसर भी मिलेगा आपको इस आर्टिकल के अंदर। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आपको यूपीआई क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरऑपरेबिलिटी तो मतलब आपको पता है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है जिसको ई रूपीज के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी एक अलग एप्लीकेशन है, हर एक बैंक की उसकी ई रूपी की एप्लीकेशन है। तो इसको यूपीआई के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा है, जिससे कि कस्टमर्स को ईजी एक्सपीरियंस हो, यानी कि कस्टमर कहीं पर भी किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सके। तो इसके लिए एक अच्छा बैंक से रिलेटेड आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। फिर मालवीय मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, टीचर्स को ट्रेन करने का ये मिशन है। देन हम लोग G20 टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक वेबसाइट के बारे में, डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे। और फिर हीट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ईरान के अंदर आज की डेट में काफी बुरी स्थिति हम लोग को देखने को मिली अभी रिसेंटली, 81 डिग्री सेल्सियस तक का पारा जो है वहां पे गया है, तापमान जो है वो गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वाला एरिया जो है वो कौन सा, इसको कौन सा स्ट्रेट बोलते हैं? ये पर्शियन गल्फ आपको दिखाई दे रहा है, ये इस क्षेत्र को स्ट्रेट बोलते हैं, तो ये कौन सा स्ट्रेट है कोई मुझे बताएगा? और इसके अलावा बैम्बू बेस्ड रीयूजेबल स्ट्रॉ आप लोग पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन लग गया है, तो अब बैम्बू से जो है वो स्ट्रॉ बनाया जा रहा है जिसको रीयूज किया जा सकता है, इसको लेकर आर्टिकल है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Enhancing artificial intelligence and creativity skills among students and teachers. तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बेसिकली AI और उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफी अच्छा Adobe ने जो है वो अभी पार्टनरशिप करी है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी अच्छा एक आर्टिकल है। तो ये पूरे आर्टिकल्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा एक और हम PDF प्रोवाइड कराते हैं, जिस PDF के अंदर PSC एग्जामिनेशन के लिए और वनडे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स रहते हैं, न्यूज रहते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स भी रहते हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी न्यूज रहती है। प्लस इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं फोकस तरीके से, तो आप हमारे इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। 1000 बच्चों के लिए बैच की फीस मात्र 2500 रुपये, हमें एक फंडिंग मिली है जिसके थ्रू ये ऑफर जो है वो आप लोग के लिए मिल रहा है। इस बैच के अंदर कंप्लीट जनरल स्टडीज की तैयारी हो रही है, GS पेपर 1, 2, 3, 4 लाइव क्लासेस चल रही हैं, जितनी क्लासेस अभी तक हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और एक साल का पूरा आपका बैच रहेगा। इवन आपकी जो क्लासेस छूट गई है बाद में जाकर उसकी भी लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिलेगी, राइट? और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इसके अंदर आपको मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस है और करंट अफेयर्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ अभी, अब से यहाँ पर आपको मिलेगा। और इवन हमारी एक पॉलिसी भी है हमारे जनरल स्टडीज के बैच के अंदर कि 80% क्वेश्चन अगर हमारी पढ़ाई गई क्लासेस से और नोट से नहीं आते तो आपकी पूरी फीस हम वापस करेंगे। इवन 2500 रुपये की ये जो फीस है डिस्काउंटेड ऑफर में, तो ये भी इवन वापस हो जाएगी अगर 80% क्वेश्चन हमारी पढ़ाई गई क्लासेस से नहीं आते हैं। तो अब ऐसा क्यों हम लोग क्लेम करते हैं? क्योंकि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाते हैं और हर एक टॉपिक जो है वो कवर अप कराया जाता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान छोड़ी जाती है। तो फटाक से फायदा उठाओ और इससे रिलेटेड जानकारी के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है 9713282838, इस नंबर पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसमें बात हो रही है जीरो ड्राफ्ट इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, राइट? तो ये आपको बस ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरीके का जो है पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली न्यूज में था जीरो ड्राफ्ट, राइट? तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को, प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये एक
इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो अभी रिलीज हुई है और उसको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने जो है वो रिलीज किया है। इस ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी प्लास्टिक और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें प्लास्टिक से बनती है, राइट, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। प्लास्टिक का अगर उपयोग भी किया जा रहा है तो उसको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना है, राइट, प्लास्टिक का, राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। सतत उत्पादन और खपत पर फोकस करना है, राइट, और मेनली फोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए जो की पॉइंटर्स हैं, राइट, जो कमिटी डिसाइड करेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट करना है। यानी कि जनरली होता क्या कि पॉलिसी तो बनती है बट वो इंप्लीमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर इसके इम्प्लीमेंटेशन पर मेनली जो है वो फोकस किया जा रहा है, राइट। तो बस छोटी सी चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, या आर्टिकल का टाइटल है मिसिंग ग्रीन ग्रोथ। अभी रिसेंटली एक एनालिसिस हुई थी जिसमें ये बताया गया कि 11 हाई इनकम कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन, यूके, ऐसी 11 हाई इनकम कंट्रीज जो है, तो उनकी एनालिसिस की गई, तो ये पता लग रहा है कि ये कंट्रीज बिल्कुल भी ग्रीनरी पर फोकस नहीं कर रही है। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम तो आपको पता है कि ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनके कारण पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट पे रिलीज हो गए हैं, यानी कि प्रदूषक एनवायरमेंट पे रिलीज हो गए हैं, और इन प्रदूषक के कारण काफी नुकसान जो है वो हो रहा है इस पर्यावरण को, इस पूरे एनवायरमेंट को। तो ये कह रहे हैं कि ये 11 हाई इनकम कंट्रीज भी जो है इनको अभी भी 200 साल लग जाएंगे 95% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 2022 में था उसको रिड्यूस करने के लिए। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, इस रिपोर्ट का उपयोग जो है वो आप कर सकते हो मेंस के आंसर में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 11 हाई इनकम कंट्रीज जो है, ये लैंसेट की रिपोर्ट है, बेसिकली लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है, राइट, लैंसेट की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली कह दिया है कि 11 हाई इनकम कंट्रीज को अगले 200 साल लग जाएंगे, दो सेंचुरीज लग जाएंगी क्या अचीव करने के लिए, 2022 में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन है यानी कि जितना पॉल्यूटेंट 2022 में है उससे 95% अगर आपको उस पॉल्यूटेंट को रिलीज करना है तो ये 11 हाई इनकम कंट्रीज को 200 साल लगेंगे। तो सोचिए कि लो इनकम कंट्रीज की क्या हालत है आज की रेट में, क्योंकि हमने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि वो इररिवर्सिबल है, वो ठीक होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, राइट, इतनी स्थिति खराब है। तो इसलिए आगे जो भी चीज हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के हम लोग को करनी चाहिए। तो ये स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में, जिसने हाईलाइट किया कि अगर जो करंट ट्रेंड यानी कि जिस हिसाब से हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इवन उन्होंने बोला है कि ये सब कंट्रीज जो है वो 27 गुना ज्यादा, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में जो कार्बन बजट डिसाइड हुआ था उससे 27 गुना ज्यादा ये लोग एमिशन जो है वो कर रहे हैं, ये 11 कंट्रीज। और रिसर्चर्स ने ये बोला कि ग्रीन ग्रोथ जो है वो अचीव नहीं हो सकती इन हाई इनकम कंट्रीज के लिए, राइट, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। स्टडी के अंदर ये भी बताया गया है कि कोई भी चीज जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो है वो नहीं है आज की डेट में, राइट, ये इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के ऊपर, सिर्फ पेपर पर चीजें हो रही है जैसे ग्रीन वॉशिंग होता है। क्या कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? देखो, ग्रीन वॉशिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टर्म है, इस टर्म के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ग्रीन वॉशिंग में होता है क्या कि ऑन पेपर दिखाया जाता है कि भैया हम तो ग्रीनरी पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो ग्रीनरी पर काम नहीं होता, फोकस नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रीन ग्रोथ जो है वो मिसलीडिंग टर्म है, जैसा कि ग्रीन वॉशिंग था, तो सिर्फ पेपर पर दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया हम एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, ऐसा लैंसेट का कहना है, राइट। तो लैंसेट ने सोल्यूशन भी दिया है, लैंसेट ने बोला है कि हमें पोस्ट ग्रोथ अप्रोच पर जो है वो फोकस करनी चाहिए, राइट, और फोकस करना चाहिए कि जितने भी हम जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जिस भी चीज की खपत कर रहे हैं, जिस भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि एनवायरमेंट के लिए वो ठीक ठाक हो। और इवन इसके अलावा भी हम लोग को 3-4 पॉलिसीज पर काम करना है लोगों की आजीविका के लिए, राइट, लोगों की सेहत के लिए, राइट, जैसे कि पब्लिक जॉब गारंटी, राइट, वर्क आवर लोगों का रिड्यूस करना, लिविंग वेजेस में बढ़ोतरी लेकर आना, मिनिमम इनकम गारंटी देना, राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग, लोग बाग घर खरीद सकें उसके लिए उनको एक्सेस मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए, लोन की व्यवस्था, राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था, अश्योर्ड हाउसिंग की व्यवस्था कि सभी के पास छत होनी चाहिए, राइट, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, राइट, पब्लिक सर्विसेज, क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर आप फोकस करो एटलीस्ट, राइट, तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग, और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक अच्छा टॉपिक था,
इस टॉपिक में ग्रीन वॉशिंग टर्म आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, और ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई मेंस में लिखने के लिए, ये थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो आज की डेट में हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी पर काम तो कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि रेन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके भी तो रखना है कहीं ना कहीं, तो उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। क्या होती है भाई ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, कोई बता सकता है, किसी को पता है वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? राइट, VGF ही हिंदी में भी VGF ही ध्यान में रखिएगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग एक टर्म है। देखो इसमें होता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट किसी बिल्डर ने शुरू किया, मैं एक बात करता हूँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, आप सभी को पता, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब आपको एक बिल्डर है, जैसे आपका कोई फ्रेंड बिल्डर है, उसने क्या किया बैंक से लोन लेकर जो है वो बिल्डिंग तान दी, राइट, बैंक से लोन लिया और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। अब एक टाइम पर आकर उसके पास पैसे खत्म हो गए, अब उसको और कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, मतलब क्या हुआ वो प्रोजेक्ट फंस गया। इस प्रोजेक्ट फंसने के कारण क्या हुआ, काफी सारे लोग परेशान हुए, क्योंकि आप जब कभी फ्लैट खरीदने जाते हो या किसी कवर्ड कैंपस बिल्डर के अंदर जो है वो घर खरीदने जाते हो, तब क्या होता है वो आपको प्लान दिखाता है, ये देखिए इस तरीके की मल्टी बनेगी, ये देखिए इस तरीके के आपके 3BHK 4BHK घर होंगे, राइट, आप चूज करिए आपको कौन सा चाहिए, लाइए इतना पैसा हमें अभी बुकिंग अमाउंट में दीजिए, बाकी पोजीशन के बाद, पोजीशन मतलब जो हम आपको चाबी देंगे उस समय आप दे दीजिए, होता है ना ऐसा, तो कस्टमर से भी पैसे ले लिए जाते हैं लाखों में। अब जिनने पैसा दिया है वो तो ऑब्वियसली बात है परेशान है ही, उनके हाथ में चाबी नहीं आ रही, उनका घर बन के रेडी नहीं हो रहा और प्रोजेक्ट अटक गया और फिर चल रहा है कोर्ट में केस, होता है कि नहीं होता ऐसा। ऐसे ही काफी सारे बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं, वो भी बेसिकली रुक गई है क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं आ रही। तो अब यही चीज वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये है कि जो फंडिंग में गैप आ गया उसको भरना, बहुत इजी टर्म है वायबिलिटी गैप फंडिंग, कि जो फंडिंग में गैप आ गया है उसको भर दो। तो यहां पर जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सरकार फंडिंग प्रोवाइड कराएगी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि ये जितना भी टोटल कैपिटल कॉस्ट है, यानी कि जितनी टोटल पूंजी की लागत जो है, राइट, बैटरी बनाने वाली कंपनी के लिए, राइट, उसका 40% तक जो है वो सरकार मदद करेगी, राइट, और इसमें 40,000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो हमारी कंट्री के अंदर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तैयार करना है, और ये इनिशिएटिव बेसिकली हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है उसके साथ अलाइंड है, मतलब उसी के साथ इसको रखा गया है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का गोल जो है वो क्या है, तो कंट्री आपको पता है कि सोलार और विंड एनर्जी कैपेसिटी पर काम कर ही रही है, राइट, और हम दूसरी हाइड्रो पावर प्लांट्स पर भी जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, राइट, गोल्स वगैरह। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आप ये वाली चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिया का टारगेट ये है कि इंडिया को 2030 तक 50% हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऊर्जा की जो हमें आवश्यकता है, उसका 50% आना चाहिए रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल एनर्जी से। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल एनर्जी के थ्रू लाई जाए। यानी कि आज की डेट में जो हमारे घर में जो लाइट जलती है, बिजली आती है, तो उसमें कोयला जलता है कि नहीं मैक्सिमम। तो ये बोल रहे हैं कि हम हमारी कंट्री के अंदर अपनी ऊर्जा की जो आवश्यकता है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, वो 50% हम लोग भरेंगे 2030 तक किसके थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन फॉसिल एनर्जी के थ्रू। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाला, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करें, स्टोर करें, जिससे कि राउंड द क्लॉक हम लोग को एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का सप्लाई मिलता रहे। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, जो आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एक आर्टिकल की बात करें, तो एक आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो बड़ी बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी को छोड़कर आज की डेट में छोटे छोटे टाउन्स में शिफ्ट हो रही है। अब ऐसा क्यों? तो भैया कंपनी मतलब ये चीज दिमाग में आनी चाहिए आपके कि कंपनी मतलब प्रॉफिट करने वाली, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्रॉफिट चाहिए उसको। तो आज की डेट में ऐसा प्राइवेट सेक्टर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी लागत बच रही है। मेट्रो सिटी के अंदर आप अगर देखेंगे तो लाखों के फ्लोर्स होते हैं, करोड़ों तक पहुंच जाते हैं, राइट, अगर आप जाएं हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, तो यहां पर आप देखेंगे
तो एक बिल्डिंग का फ्लोर जो होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है, कई बार दो तीन चार फ्लोर हायर करती है, उसमें एम्प्लॉयज रहते हैं, 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज जो है वो एक बिल्डिंग में जो है बैठते हैं, राइट। तो उस बिल्डिंग की जो रेंट जो निकलता है ना, वो ही लाखों रुपए में होता है, राइट। अब आपको पता है ना रियल एस्टेट कॉस्ट, भाई आप महंगे शहर में जाओगे, बड़े शहर में जाओगे, तो वहां पर चीजें, हर चीज महंगी होगी, प्रॉपर्टी महंगी होगी, हर चीज, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो महंगा होगा, बट आप वहीं छोटे शहर में जाओगे तो आपको चीजें सस्ती में मिल जाएंगी। और आज की डेट में जमाना ऑनलाइन का आ गया है, आज की डेट में आप ये मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो देश के किसी न किसी कोने में बैठकर आप ये लेक्चर आसानी से जो है वो सुन रहे हैं। आपको क्या करना है इस लेक्चर को सुनने के लिए, सिर्फ आपको इंटरनेट जो है वो लगाना है और एक मोबाइल आपको होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो क्या हो रहा है, इससे कॉस्ट कट रही है ना भाई। अगर आप क्लासरूम में जाकर लेक्चर लें तो आपको आने जाने का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती है ना, ये खर्चा बच रहा है कि नहीं बच रहा, टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा, बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए ये कंपनी अप्रोच कर रही है। बट ये तो हमने एक जनरल बात करी, बट आप कर रहे हो तैयारी एग्जामिनेशन की, तो आपको बिल्कुल पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि क्यों आज की रेट में ये जो कंपनीज है मेट्रो सिटी से छोटे टाउन्स की तरफ क्यों जा रही है। तो आपको एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। तो एक आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन, नैसकॉम और डेलॉइट है, डेलॉइट तो बहुत बड़ी कंपनी, नैसकॉम भी बहुत बड़ी कंपनी, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर 26 ऐसी जगह उभर कर आ रही हैं, राइट। 7 मेट्रो हब के अलावा 26 ऐसी जगह उभर कर आ रही है जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, राइट। और प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी मतलब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको 26 डेस्टिनेशन से जो है वो मिलेगा। तो अब वो क्या 26 डेस्टिनेशन है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आज की रेट में ये कंपनीज जो है ये कैसे ऑपरेट कर रही है, मतलब ये क्यों बेसिकली बड़े बड़े शहर को छोड़कर छोटी जगह पर जा रही हैं। तो ये पॉइंटर्स हैं। देखो आज की रेट में हाइब्रिड वर्क मॉडल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है ना। तो कंपनीज जैसे कि इसमें बताया गया कॉग्निजेंट, ये अलाउ करती है अपने एम्प्लॉई को कि वो कहीं से भी काम कर सके। भाई पेंडेमिक ने दिखा दिया ना, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, राइट। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी बैठ के काम कर सक रहा है। कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश कर रही है छोटे छोटे ऑफिस, सैटेलाइट ऑफिस, मतलब छोटे छोटे ऑफिस छोटी छोटी सिटी के अंदर, राइट। फिर इसके अलावा अब कंपनी का पैसा बचेगा, भाई छोटी सिटी में वो जाएंगे तो उसमें बहुत पैसा बचेगा उनका रियल एस्टेट का, मतलब कंपनी की जो रेंट आता था फ्लोर का वो कम हो जाएगा। भाई आप पॉश एरिया में जाकर अगर, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी कोचिंग जो थी वो मैंने जब पॉश एरिया में जो है वो एक ली थी, हमारा यहाँ का जो सबसे ज्यादा पॉश एरिया जो है, तो वहां का रेंट ही जो था वो 60-70 हज़ार रुपए था, राइट। और फिर दूसरी जगह पर जब मैंने ओपन करी तब उसका रेंट मात्र 20 हज़ार रुपए। तो फर्क पड़ता है भैया, पॉश एरिया में आप जाकर बैठोगे तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, राइट। तो ये सब चीज है। और फिर एम्प्लॉयज जो है उनको भी बहुत पैसा बचेगा रेंटल कॉस्ट के मामले में, क्योंकि भाई अब देखो एम्प्लॉय जो है अगर छोटे टाउन में बाहर से आकर रहेंगे, राइट, तो उनको किराया वगैरह कम देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर सिविल सर्विसेज का हब है, आपको पता है सिविल सर्विसेज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है वो जाते हैं, राइट। बहुत सारी मतलब 2-3 हब्स हैं और एक ओल्ड राजेंद्र नगर है। ओल्ड राजेंद्र नगर किस मामले में, महंगाई के मामले में सबसे ज्यादा है। आप वहां पर एक छोटा सा किचन बराबर आपके घर में जो किचन होगा उतना रूम समझो आप, उस रूम की कीमत 15-15 हज़ार रुपए। मैं गया था, मैं तो चक्कर खा गया था, मैंने कहा बाप रे, एक महीने के बाद फिर मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि यार इतना महंगा थोड़ा कर सकते। फिर मैं रमेश नगर चला गया था दू लाइन में। एनीवेज आगे की बात करते हैं। फिर रिच टैलेंट पूल, स्मॉलर सिटीज जो है वहां पर टैलेंट है बट वो टैलेंट बाहर नहीं आ रहा, तो ये वहां पर जाते हैं जब तब इनको बहुत टैलेंटेड लोग जो है मिलते हैं, क्योंकि आज की डेट में है भाई इंटरनेट और इन सब चीजों ने आज की डेट में जो है वो काफी फायदा किया है, राइट। तो ये एक फायदा इनको जो है वो मिल जाता है। फिर हायर रिटेंशन रेट, एम्प्लॉय जो है वो प्रेफर करते हैं अपने होम टाउन पे रहना, जिसके कारण छोटी सिटीज का रिटेंशन रेट ज्यादा है, कि छोटी सिटीज में रहने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हीं के घर के या उनके टाउन में ही उनका अगर कंपनी हो तो ज्यादा उनके लिए बेटर हो, राइट। और छोटी सिटीज जो है जैसे कोयम्बतूर की बात करें तो ये क्वालिटी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराते हैं कि बहुत कम कीमत में, वही रियल एस्टेट का सेम पॉइंट, राइट। तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराता है एक्सेस हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस का, ये सेम ही चीज है ना। फिर काउंटर मैग्नेट डायनेमिक्स, सूरत और पुणे ने स्टार्ट कर दिया काउंटर मैग्नेटिक रीजन, मतलब काउंटर मैग्नेट डायनेमिक का मतलब है कि छोटी
स्पेस जो है छोटी सिटी की बात हम बात करें या छोटे टाउन की बात करें, वो मैग्नेट की तरह जो है एम्प्लॉयज को जो है वो बड़े टाउन से खींचकर अपने पास जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया जो है होना चाहिए, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट। ये पूरे रीजन आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। अब कंपनीज के बारे में बात करें, अगर कंपनीज इन्वॉल्व है तो कंपनी का देखो फायदा क्या होगा, रियल एस्टेट में उनका पैसा बचेगा, उनको कम रेंट पे करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि वहां पर उनके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जिस प्रकार का उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस प्रकार की चीजें उनको ना मिले, तो ये कंपनी के लिए चैलेंज है। कंपनी को जो है वो बहुत बढ़िया टैलेंट तो मिलेगा, राइट, छोटी सिटीज में भी, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, राइट, बहुत ज्यादा, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर। एम्प्लॉयज के को फायदा होगा कि उनको लिविंग कॉस्ट कम पड़ेगा उनका, राइट। बट एम्प्लॉयज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको दूसरे लिविंग एनवायरमेंट को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो हर जगह की चीजें अलग होती है, सिनेरियो अलग होता है। तो वहां पर बसने में, यानी कि वहां पर रहने में थोड़ा सा आपको चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है ना। फिर इसमें फायदा जो है ये होगा एम्प्लॉयज के लिए कि एम्प्लॉयज अपने अगर होम टाउन पे उनकी कंपनी होगी तो उनको आने जाने में जो है वो बहुत कम टाइम जो है वो लगेगा, राइट। अब चैलेंज उनके लिए ये है कि उनको बहुत सारी अर्बन एमिनिटीज नहीं मिलेगी, जैसे अर्बन एरियाज पर आपको ईजिली जो है वो कैब्स मिल जाती हैं, राइट। अब देखो आजकल तो छोटी छोटी टाउन्स में भी कैब्स अवेलेबल है, बट जितनी क्वांटिटी में अर्बन में अवेलेबल है उतनी स्मॉल टाउन्स में नहीं है, है ना। तो बहुत सारी चीजें, खाने की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, अगर आप ऐसे लोकेशन पे चले गए जहां पर कोई मेस नहीं है, मेस मतलब भोजनालय वगैरह, तो और दिक्कत आती है, ठीक है। फिर लोकल कम्युनिटी की बात करें तो उनको फायदा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी होगी, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ेगी, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि वहां पर लोकल रिसोर्सेज के ऊपर दबाव जो है वो बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्राउड आएगा, एम्प्लॉयज आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर मौजूद जो संसाधन है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि उनमें ग्रोथ आ जाएगी, ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। बट ओवर सप्लाई भी होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो दिक्कत आने लगेगी, राइट। फिर वही प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज है, रियल एस्टेट अच्छा खासा डेवलप करेगा बट प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। सरकार को जो है वो फायदा ये होगा कि रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, इस क्षेत्र में, यानी कि छोटी छोटी एरियाज में भी डेवलपमेंट हो रहा है कंपनीज के आने के कारण। बट सरकार जो है उनको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा व्यवस्था सही करने के लिए हर एक चीज की। सरकार के ऊपर जो है वो मेट्रो का प्रेशर जो है वो कम होगा, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि वहां पर डेवलपमेंट में जो है वो थोड़ी बहुत डिस्पैरिटीज, चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बड़े मेट्रो के अंदर कंजेशन कम हो जाएगा, ये फायदा है मेट्रो सिटीज में। आज की डेट में देखो आप बाहर पर मेट्रो सिटी में जाते हैं तो मतलब आपकी खुद की प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करना तो बहुत मुसीबत वाला काम हो जाता है, राइट। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो लोग आजकल सोचते हैं भाई मेट्रो प्रेफर कर लो। दिल्ली में देखो ना, दिल्ली में आप सड़क में चल नहीं सकते अपनी प्राइवेट व्हीकल को लाके, इसलिए मैक्सिमम लोग मेट्रो से जो है वो ट्रैवल करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑफिस स्पेस की डिमांड जो है वो लार्ज मेट्रोस में जो है वो कम हो जाएगी, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें फायदा होगा लार्ज मेट्रो में, क्योंकि अब ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है, इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई आपको ध्यान में रखनी है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ेगा, राइट। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो प्राइस रिड्यूस होगा, तो वही सेम चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरी चीजें थी, देखो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी चीज हमने जो है वो कवर करी। तो ऐसे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है आंसर, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक कॉमन मैन की तरह नहीं होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक ऑफिसर की तरह होनी चाहिए, तो इस तरीके से आपको करनी है तैयारी। अब देखिए एक रिपोर्ट सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी थी, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी। देखो कमेटी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, ये नाम जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी एक रिपोर्ट जो है वो बेसिकली इस जेल सुधार के ऊपर है, प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर इसकी रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो ये बता रही है कि भारत में महिला कैदियों की गंभीर स्थिति है, तो इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने जो है यही बोला कि करेक्शनल जस्टिस सिस्टम, सुधारात्मक न्याय प्रणाली स्पष्ट रूप से लिंग बहिष्करणकारी है, मतलब कि जेंडर एक्सक्लूजनरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब वहां पर जेंडर पर मेनली फोकस, जेंडर के हिसाब से फोकस जो है वो नहीं किया जा रहा, राइट। और अभी फीमेल प्रिजनर्स के पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि फीमेल प्रिजनर जो है वो ज्यादा हो गए हैं, 11% ज्यादा हो गई है, राइट, 2014 और 19 के बीच में, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, बट आप कर रहे हो तैयारी,
तो आपको रिपोर्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है महिलाओं को जेल के अंदर। तो बेसिक फैसिलिटी का एक्सेस उनको नहीं है। जो वुमेन जो प्रिजनर है, जो महिला कैदी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वो काफी सारे चैलेंज फेस करती है एज कम्पेयर टू मैन, राइट। उनको बहुत सारी मेडिकल केयर, राइट, लीगल एड, पेड लेबर, ये सब चीजें बड़ी दिक्कत होती है उनको, राइट, इन सब चीजों में कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, मेडिकल सहायता नहीं मिल पाती, राइट। तो ये सब चीजें, बच्चों से मिलने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। मात्र जेल गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर है वो अलाउ करती है फीमेल प्रिजनर्स को, महिला कैदी को, कि वो अपने बच्चों से मिल सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बार या फिर ग्लास सेपरेशन। अब आपका मतलब सोचो, आप एक महिला कैदी, उसका एक छोटा सा बच्चा है या बच्ची है, वो बच्चा बच्ची मिलने आए अपनी माता से और वो सलाखें हैं या ग्लास की एक दीवार है, वो कैसे उनको अच्छा लगेगा, राइट। उनको बिल्कुल, उनके माइंड पर बहुत गलत असर जो है पड़ेगा। तो देखो, गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी मात्र तीन ऐसी जगह है जहां पर, जो जेल है वहां पर महिला कैदी को जो है वो बिना किसी बैरियर के, यानी कि बिना सलाखों के जो है वो बच्चों से मिलने दिया जाता है। सैनिटरी नैपकिन का इशू है। 40% से भी कम जेल इंडिया के अंदर सैनिटरी नैपकिन जो है वो महिला कैदियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर शेयरिंग फैसिलिटी, अप्रोक्सीमेटली 75% महिला वार्ड्स जो प्रिजन के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको किचन और कॉमन फैसिलिटीज है वो मेल वार्ड के साथ जो है वो शेयर करना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको पता ही है, अंदर कैदी है, राइट, तो आप समझ सकते हो। फिर मात्र 18% ही महिला कैदी हम लोग को देखने को मिल रही है जिनको एक्सक्लूसिव वुमेन प्रिजन फैसिलिटी दी गई है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिला कैदी कुछ मर्डर में आई हैं, राइट, या फिर और सिंप्लीफाई मैं करूं तो कुछ अंडर ट्रायल है जिनका अभी तक केस रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक केस चल ही रहा है, राइट, पेशियां चल ही रही है, अभी तक वो दोषी घोषित नहीं हुई है, और जो कुछ कैदी हैं जो अपनी सजा काट रही हैं, राइट, तो दोनों एक साथ ही रहती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखने की कोशिश करो तो अंदर ही अंदर मार पिटाई, और बोलते हैं कि जेल सुधार घर है, बट एक्चुअल में ही होता यही है कि जेल से निकलने वाला एक आदमी अपने आप को और बड़ा बदमाश समझने लगता है, तो ये भी एक स्थिति है। फिर जेंडर स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो नहीं दिए जाते वहां पर मौजूद जो ऑफिशियल्स हैं उनको, राइट। फिर कंप्लेन जो है अब्यूज और हरासमेंट के रिलेटेड अक्सर आती रहती है। जो महिला कैदी हम लोग को देखने को मिलती हैं, उन्होंने कंप्लेंट्स भी फाइल करी है जेल स्टाफ के अगेंस्ट कि जेल स्टाफ ही उनको हरास कर रहा है, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर मेडिकल और साइकेट्रिक वार्ड, उसकी कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा पर्याप्त बेसिक मिनिमम फैसिलिटी चाइल्ड डिलीवरी के लिए नहीं है। अगर कोई महिला कैदी जो है उनको अगर बर्थ देना है बेबी को, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है, अलग कोई वार्ड अवेलेबल नहीं है, राइट। जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है, तो ये सब शॉर्टेज भी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। महिला कैदियों को भी जो है वो मेल जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, मेल डॉक्टर्स वगैरह आप ये कह सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट कई बार कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं जो फीमेल जो है वो फीमेल को ही बताना ज्यादा बेटर प्रेफर जो है वो करती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो अब ये जस्टिस अमिताभ राव कमेटी का हम लोग को रिकमेंडेशन क्या मिला है, तो कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं कि आप क्या करो, वुमेन स्टाफ और मेडिकल वार्ड्स की कमी में को रिजॉल्व करने के लिए आप टेलीमेडिसिन और वर्चुअल कंसल्टेशन शुरू करो। भाई अगर वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ केयर स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, तो एक टीवी स्क्रीन के थ्रू, लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर बैठकर जो है वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्टर्स के साथ जो है वो कंसल्ट कर सके। तो टेलीमेडिसिन और वर्चुअल कंसल्टेशन की सर्विस शुरू करो, ये रिकमेंडेशन दिया। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग करो, स्किल डेवलपमेंट करें वो, जिससे कि जेल से निकलने के बाद कोई ना कोई स्किल्स उनके हाथ में हो, जिससे कि आगे चल के उनकी आजीविका बेटर, राइट। अब जो महिला अपराधी छोटे मोटे अपराध में आती हैं, तो उनको कम्युनिटी सर्विस में जो है लगाया जाए, राइट। अलाउ करो कैदी को कि वो कंप्लेन फाइल कर सके प्रिजन स्टाफ के अगेंस्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाए प्रिजन स्टाफ को भी, राइट, जिससे कि अगर प्रिजन का स्टाफ जो है उनको सेंसिटिव चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे हैंडल करना है महिलाओं को। जो महिला कैदी जो है जिनको साइकोलॉजिकल या किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, राइट, या फिर कोई सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम है, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग जो है वो की जाए। तो ये सब रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया। तो इस कमेटी का नाम जरूर याद रखना, अक्सर सिविल सर्विसेज में ऐसे कमेटी के नाम जो है पूछ लिया जाता है, बताओ ये फलाना कमेटी
किससे रिलेटेड है या प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड बताओ कौन सी कमेटी है, तो अमिताभ राव रॉय कमेटी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को जंगल को ठीक करना है, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन करके राइट क्या किया, जंगल को बर्बाद कर दिया, पेड़ काट काट करके पूरी बर्बादी कर दी है, तो अब उसको ठीक करना है। लगभग 200 सालों से इंडिया एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बना है कैसे एफॉरेस्टेशन के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, राइट। तो आपको डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में आपको पता है, वन की कटाई। अब देखो कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको खतरा है, जैसे कि अगर अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करें, राइट, ब्राजील के अंदर जो अमेजॉन फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बारे में एनवायरमेंट में भी हमने कवर किया था कुछ दिनों पहले, द हिंदू में इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आया था। तो यहाँ पर स्थिति बड़ी ज्यादा खराब हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पर माइनिंग हो रही है, राइट, माइनिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं। देखो उसमें लिखा हुआ है पेड़ काटने की वजह क्या है, ड्राइवर्स, ड्राइवर्स मतलब ये वजह कि किस कारण से लोग मोटिवेट होते हैं जंगल की कटाई करने के लिए, इकोनॉमिक ड्राइवर, पैसा, माइनिंग से पैसा मिलेगा, एग्रीकल्चर से पैसा मिलेगा, तो पेड़ काट के फॉरेस्ट को काटकर एग्रीकल्चर लैंड बना दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, पेड़ काट काट कर हाईवे निकाल देने हैं, राइट, जैसे ट्रांस अमेजोनिया हाईवे ब्राजील के अंदर हम लोग को देखने को मिला, राइट, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आपको देखो ये पॉइंट पता होने चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स जिसके कारण से लोग पेड़ काटते हैं। एक पॉइंट इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली, राइट, दूसरा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हाईवे बनाना है, घर बनाना है, राइट, ग्लोबल डिमांड कमोडिटीज की, कई बार पेड़ काटे जाते हैं किसके लिए, पाम ऑयल, यार पेड़ को, अब जैसे आपने वो पुष्पा मूवी देखी हुई है, पेड़ काट रहे हैं, राइट, किसके लिए, शीशम वगैरह के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर क्लाइमेट चेंज का एक प्रेशर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, सरकार की पॉलिसी वगैरह, जैसे कॉन्गो वगैरह की बात करें, पॉलिसी सही नहीं रहती, उसके कारण से पेड़ काट दिए जाते हैं। फिर कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडोनेशिया का इंडिजीनियस कम्युनिटी की बात करें, राइट, तो उनको हटाया गया, राइट, वहां पे लोकल कम्युनिटी को हटा दिया गया पाम ऑयल को प्लांट करने के लिए, राइट, जिसके कारण से डिफॉरेस्टेशन हम लोग को देखने को मिला, राइट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कि कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, आप उस कम्युनिटी को अगर डिस्प्लेस करोगे तो नॉर्मल सी बात है हम लोग को देखने को मिलेगी कि डिफॉरेस्टेशन होगा, राइट, जो कमर्शियल, जो कंपनीज वगैरह जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो है वो बर्बादी करते हैं। तो ये सब चीजें आपको जो है वो थोड़ी बतानी, देखो कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल पॉइंटर्स आप ध्यान में रखिएगा। तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो पेड़ हम लोग काट चुके हैं उसको वापस, मतलब जो जंगल काट चुके हैं हम लोग, पेड़ों को काटा गया है, जंगल खत्म किया गया है, उसको वापस अपने नेचुरल स्टेट पर लेकर आना, राइट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया का क्या संकल्प हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने संकल्प लिया है कि इंडिया 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर अपने जंगल का जो है वो रिस्टोर करेगा, राइट, और ये बॉन चैलेंज के थ्रू हम लोग को देखने को मिला, ये एनवायरमेंट में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ जनरल स्टडीज की क्लास के अंदर। और 2018 में एक रिपोर्ट जो है वो लाई गई सरकार के द्वारा और IUCN के द्वारा, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर होता IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इसने इंडिकेट किया कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अंडर रिस्टोरेशन है, इस पर काम चल रहा है, राइट, और इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट है 33% ट्री कवरेज का, कि 33% ट्री कवर हम लोग को लेकर आना है। अब IUCN के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है, यानी कि जो जंगलों को काटा जा रहा है, खराब किया जा रहा है जंगल को, उसके कारण 12% पूरे दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि जंगल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है ना, जंगल फॉरेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बोला जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। आप फॉरेस्ट काट दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सब एनवायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, जो हम ऑलरेडी अपनी GS की क्लास में कर चुके हैं, आई थिंक जो GS के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। 30% फॉरेस्ट लैंड जो है वो इंडिया के अंदर खराब हो चुका है, राइट, इंडिया के अंदर टोटल एरिया जो है फॉरेस्ट का वो 6% से डिक्रीज हुआ है। तो हम आज की डेट में फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो आज की डेट में अप्रोच क्या, आप देखो ये मियावाकी मेथड आप ध्यान में रखना, ये जापान का मेथड है, मियावाकी मेथड, जापान की एक एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस मेथड को जो है वो शुरू किया, मियावाकी मेथड। अब इस मियावाकी मेथड में होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रजाति लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं कुछ ऐसी प्रजाति की जिसके कारण से दूसरी प्रजाति जो है वो अट्रैक्ट होती है, या दूसरी मतलब जंगल बनने लगता है, यानी कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि एक तेजी से बढ़ने वाली स्पीसीज, जैसे इक्योलिप्टस हुआ या बैम्बू हुआ,
ये काफी तेजी से बढ़ते हैं और इसके कारण ट्री कवर जो है वो इंक्रीज होता है। और इसमें खतरा भी है, सबसे बड़ा खतरा इन्वेजिव स्पीसीज का। कई बार ये भी होता है कि उस क्षेत्र में मौजूद आप इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब कि कोई एक ऐसी आक्रामक प्रजाति होती है, कि कई बार ऐसा होता है कि गलती से इस बढ़ने के चक्कर में, कि आप प्लांट मतलब फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज अगर करना चाह रहे हो, तेजी से प्लांट बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस कारण से आक्रामक प्रजाति भी आ जाती है जो दूसरी प्रजाति को वहां पर रहने नहीं देती, राइट। तो डाइवर्सिटी हम लोग को जो है वो नहीं नजर आती है फिर फॉरेस्ट के अंदर, तो ये एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आप मियावाकी मेथड थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब इंडिया से क्या लेसन जो है वो सीखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात अगर हम लोग करें तो, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्टोरेशन की अप्रोच इंडिया की तरफ से हम लोग को नजर आई, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसने ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो उनको पावर दे दी कि ग्राम सभा जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा जंगल को बचाने के लिए, राइट। या जंगल के रिसोर्सेस का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसकी पूरी पावर दे दी गई ग्राम सभा को, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। ये पढ़ाया हुआ मैंने जनरल स्टडीज की क्लास में। और वेस्टर्न इंडिया के अंदर हम लोग को कच्छ ग्रासलैंड जो देखने को मिलता है, राइट, तो वहां पर कम्युनिटी ने क्या किया, हटा दिया एक पर्टिकुलर आक्रामक प्रजाति को जिसका नाम था गांडो बवाल, राइट, तो खतरनाक नाम है इसका। तो ये आक्रामक प्रजाति थी जिसको ब्रिटिश फॉरेस्टर्स ने जो है वो 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि ये इस प्रजाति के कारण दूसरी पेड़ की प्रजाति वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये देखो, ये दो चीज इंडिया की तरफ से हम लोग को नजर आई, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। अब फिर हमने नॉन नेटिव स्पीसीज पर फोकस किया, वेटल, पाइन, एकेसिया, राइट, तो इसने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिली, कई बार हम लोग पेड़ को ज्यादा फॉरेस्ट को लगाने के लिए, जंगल बढ़ाने के लिए हम ऐसी प्रजाति लेकर आ गए जिसके कारण से वहां की जमीन सॉइल जो है वो खराब हो गई, तो ये हमारा एक नेगेटिव केस भी सामने आया। पॉजिटिव केस हमने दो अभी देखे, फिर एक नेगेटिव केस भी आपको पता होना चाहिए। कुछ हमारे लेसन ऐसे भी थे जिससे हमने सीखा कि भाई प्रजाति को अगर आप लगा रहे हो तो पूरी स्टडी करने के बाद ही वहां पर प्लांटेशन करो। एक नेगेटिव केस ये था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस थे लोकल फॉरेस्ट यूज के ऊपर, इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। देखो क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपको याद आ रहा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जंगलों को जो है वो रिजर्व कर दिया अपने लिए। क्यों किया था, क्योंकि इनको लकड़ियां चाहिए थी अपने खुद के ट्रेन बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, तो दूसरे जितनी भी वहां पर मौजूद लोकल कम्युनिटी थी उनको भगा रही थी कि आप जो है वो यहाँ पर नहीं आओगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। तो लोकल कम्युनिटी का हुआ दिमाग खराब, इन्होंने जंगल में आग लगा दी, कर ले बेटा तेरे को पेड़ काटने ना अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, अब ना रहेगा बास ना बाजी की बांसुरी, इनने आग लगा दी। तो ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी आग लग जाती है, कई बार ऐसा भी होता है, और इसके कारण से हम सामने वाले का तो नुकसान करते ही करते हैं, अपना भी इनडायरेक्टली कर देते हैं, राइट। तो वाली चीज ये नेगेटिव केस। एक पॉजिटिव केस जो है वो सामने नजर आया, तो पॉजिटिव केस ये होता है कि कई बार ये भी रहता है कि आप अगर लोकल कम्युनिटी के साथ अगर काम करो, राइट, तो बेनिफिट भी जो है वो काफी ज्यादा मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो आपका मिलता है। कम्युनिटीज जो होती हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट को सस्टेनेबल रखने में जो है वो मदद करती हैं, तो कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और पॉजिटिव केस हम लोग को जो है वो देखने को, प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ और प्रॉपर कौन से पेड़ लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, कौन बेटर, जिस पेड़ के कारण बायोडाइवर्सिटी में डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद फिर आप प्लांटेशन करो, तब आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए इंडिया को जो है वो कहा जाता है लेबोरेटरी, राइट, कि इंडिया जो है वो लेबोरेटरी है, राइट, किस चीज की लेबोरेटरी है, हमने इतने एक्सपेरिमेंट जो है वो किए हैं तो हम एक प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बन गए हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आप इस प्रकार से मेंस में उपयोग जो है वो कर सकते हो। अब हमें कौन से एक्शंस लेने की आवश्यकता है, तो पहली चीज तो यार हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लैंडस्केप जो है, यानी कि जो जमीन जो है जहां पर फॉरेस्ट हुआ करते थे जो आज की डेट में खत्म हो चुके हैं, उसको हमें पहले प्रोटेक्ट करना है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और फिर वहां पर हम लोग को एफॉरेस्टेशन पर काम करना है, राइट, वृक्षारोपण पर काम करना है। फिर दूसरी चीज, हम लोग को अलग अलग प्रजातियां पेड़ों की जो है वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर हम लोग को एग्रोफॉरेस्ट्री पर जो है वो काम करना है, इनकरेज करना है सस्टेनेबल फॉरेस्ट क्रॉप्स को, राइट, एग्रोफॉरेस्ट्री के थ्रू, राइट। अब देखो, पेड़ काट के एग्रीकल्चर की जगह भाई पेड़ों में दूसरी चीजें भी तो होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो हम उसको प्रमोट करें, जिससे दोनों हमारे कमर्शियल बेनिफिट भी आ जाएंगे और फूड सिक्योरिटी भी बरकरार रहेगी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग को मेनली फोकस करना है कि इंडिविजुअल्स भी बढ़िया रहे, कम्युनिटी भी बढ़िया रहे और ये प्लैनेट भी बढ़िया रहे, तो इस अप्रोच पर हम लोग को जो है वो काम करना है, इनकी पूरी सेहत पर जो है वो हम लोग को काम करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। तो ये चीज है।
अब देखो ये सब चीजें के बारे में तो आपको एक आइडिया लग गया, काफी अच्छा एक आंसर आपका जो है वो इन सब चीजों को के थ्रू जो है वो आपका बन जाएगा। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सरकार के क्या क्या पहल है, क्या क्या इनिशिएटिव है सरकारी। जैसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यूनाइटेड नेशन का 2021 से 2030 का जो पीरियड है उस पीरियड में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हमें, यानी कि ये जो पूरा दशक है 2021 से 2030 तक का, इसमें हम लोग को फोकस करना है इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के ऊपर, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको ठीक करने के ऊपर हमें काम करना है। फिर एक बॉन्ड चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एनवायरमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये टारगेट याद रखना बॉन्ड चैलेंज का कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो लैंडस्केप है उसको दोबारा ठीक करना है जो खराब हो गई है, और इंडिया ने संकल्प लिया है कि इंडिया 21 मिलियन हेक्टेयर जो है वो रिस्टोर करेगी 2030 तक, और 2.5 से 3 बिलियन टन जो है वो कार्बन सिंक बनाएगी। ठीक है, तो ये फैक्ट इंडिया का आप ध्यान में रखना। अभी स्टार्टिंग में भी हमने इस फैक्ट के बारे में बात करी थी। अब इंडिया के अंदर कौन से कार्यक्रम चलते हैं भैया एफॉरेस्टेशन के लिए या जंगल को बचाने के लिए? तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक प्रोग्राम है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोग्राम है जिसको ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, नगर वन स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, हरियाली महोत्सव वन महोत्सव है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम युवाओं के लिए राइट, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर का हम लोग को देखने को मिलता है। तेलंगाना के अंदर एक और इनिशिएटिव हम लोग को तेलंगाना का देखने को मिला था राइट, तेलंगाना को हरिथा हरम लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम ये हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें ड्रोन्स वगैरह का उपयोग करना है। तो ये पूरा देखो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा टॉपिक हमने फॉरेस्ट इसके लिए रिस्टोरेशन का ये कवर किया। मेंस में अगर आता है या ऐसे में लिखने के लिए आते तो आपके पास इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि आप आराम से जो है अपने आंसर को बना सकते हैं। अब देखिए यूपीआई क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो आपको पता है ई रूपी के बारे में जो हमारे आरबीआई का ई रूपी है राइट। अब देखो क्या होता है कि बैंक की अपनी एक एप्लीकेशन है, बैंक का अपना क्यूआर कोड है राइट, बैंक भी प्रोवाइड कराता है ना, बैंक की एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि उनमें कि उनके वॉलेट का पैसा, यानी कि आप उसमें एक वॉलेट होता है जिसमें आप रुपीज, जैसे मैं आपको पेटीएम के थ्रू समझाता हूँ ठीक है, पेटीएम के बारे में सभी को पता है, इजिली आप समझ जाओगे इसलिए बता रहा हूँ। पेटीएम एक वॉलेट होता है कि पेटीएम के वॉलेट में आपने पैसा डाल दिया, बट आपको पता है कि पेटीएम के वॉलेट से पैसा जो ट्रांसफर होता है वो वॉलेट टू वॉलेट होता है, वॉलेट टू यूपीआई नहीं हो पाता राइट। ये चीज आपने देखी होगी, वॉलेट का पैसा पेटीएम वॉलेट का पैसा यूपीआई में नहीं होता, बट हाँ पेटीएम यूपीआई भी शुरू हो गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हो वाया यूपीआई, बट मैं वॉलेट की यहां पर बात कर रहा हूँ। ऐसे ही वॉलेट हम लोग को किसका देखने को मिलता है, ई रूपी का, डिजिटल रूपी राइट का वॉलेट रहता है। अब क्या हो गया, इन्होंने इंटर ऑपरेबिलिटी पर काम कर दिया, इन्होंने बोला कि हमारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी जो है, अब उसकी एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी मर्चेंट को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कोई भी किसी का भी क्यूआर कोड हो, यूपीआई हो, आप यूपीआई के माध्यम से जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो पैसा क्यूआर कोड्स के थ्रू। तो काफी सारी इंडियन बैंक जो है उन्होंने शुरू कर दिया है इंटर ऑपरेबिलिटी किसके बीच में, यूपीआई क्यूआर कोड्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर ई रूपी एप्लीकेशन के बीच में इंटीग्रेशन ये अलाउ करेगा। इससे क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा जो है वो होगा किसको, होगा कस्टमर्स को और मर्चेंट्स को, इजीली पेमेंट लेने के लिए और पेमेंट करने के लिए, तो इजी ट्रांजेक्शन इससे हो पाएगा। डिजिटल रूपी इशू किया है किसने, आप सभी लोग जानते हैं आरबीआई ने, तो ये टोकनाइज डिजिटल वर्जन है रूपी का जो डिजिटल वॉलेट में स्टोर्ड रहता है, जो कि कस्टमर के सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लिंक रहता है। अब ऑब्जेक्टिव यही है कि वाइड स्प्रेड उपयोग जो है वो यूपीआई का होता ही आज की डेट में हर जगह, तो अब हमारा ई रूपी भी जो है वो यूपीआई के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम से उसमें पेमेंट हो जाएगा। तो ये एक अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटर ऑपरेबिलिटी, देखो नाम से हमारा इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में ऑपरेट करना राइट, एक दूसरे सिस्टम के साथ, एक दूसरे जो अलग अलग पेमेंट सिस्टम है ना उसके बीच में जो है एक लिंक अप, तो उसको इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मालविया मिशन जो है बताइए वो कौन सा मिशन है, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग मिशन है, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए मिशन है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है मालविया मिशन जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये किसके अंदर है, यूजीसी के अंदर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं ये बताओ ये फलाना प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव यही है
कि फोकस जो है वो करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तहत टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बेटर तरीके से जो है वो हो सके। ऑब्जेक्टिव यही है, क्वालिटी एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलनी चाहिए, उसके लिए टीचर्स का ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस किया जा रहा है कि 15 लाख टीचर जो है 111 मालवीय मिशन सेंटर के थ्रू ट्रेन किया जाएगा 15 लाख टीचर्स को। फिर इसके अलावा टीचर्स को फ्यूचर रेडी बनाना, ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करना, लीडरशिप स्किल जो है वो बिल्डअप करना, और ये पूरी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ लिंक्ड अप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, राइट, मालवीय मिशन। अब G20 टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड का मतलब होता है वेबसाइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इंट्रोड्यूस किया है G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वेबसाइट, राइट, यानी कि डैशबोर्ड वेबसाइट का एक पार्ट। इसके तहत हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, इसमें फोकस जो है वो किया गया है कि टूरिज्म यानी कि जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं G20 के मेंबर जो है ये आपस में मिलकर जो है वो सस्टेनेबल टूरिज्म पर जो है वो काम करें, राइट। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीव होने पर फोकस करें सभी कंट्रीज मिलकर, उसके लिए डैशबोर्ड जो है वो तैयार किया गया। बस ये छोटी सी चीज थी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब एक टॉपिक हम लोग को हीट इंडेक्स का देखने को मिल रहा है, हीट इंडेक्स। अब देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति हुई है ईरान में, 81 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो गया है ईरान के अंदर, राइट, बहुत बुरी स्थिति हुई है। तो हीट इंडेक्स होता क्या है, जिसको हम लोग अपेरेंट टेम्परेचर भी जो है वो कहते हैं, ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि एक्चुअल में ह्यूमंस कैसा टेम्परेचर फील कर रहे हैं। देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो बाहर, आपने एक चीज देखी होगी, कार खड़ी हुई आपकी, आपने कार पार्क करी, धूप में पार्क कर दी कार, जब आप कार के अंदर आकर बैठते तो कैसी हालत हो जाती है एकदम से, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर टेम्परेचर कैसा और ह्यूमन की बॉडी कैसा फील कर रही है उस टेम्परेचर को, उसको बोलते हैं हीट इंडेक्स, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है कि कितना वेदर जो है वो कितना हॉट है और किस प्रकार से फील हो रहा है। तो फीलिंग, बेसिकली हीट इंडेक्स फीलिंग के लिए मेनली फोकस करता है, फीलिंग कि ह्यूमन को क्या फील हो रहा है, राइट। तो ये है हीट इंडेक्स। इसके अंदर एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, इन सब चीजों का उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। काफी सारी कंट्री के अपने खुद के हीट इंडेक्स मेजरमेंट सिस्टम है, जैसे कनाडा की हम बात करें तो कनाडा उपयोग करती है ह्यूमिडेक्स को, यूनाइटेड नेशन वेदर सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्विस NWS यूनाइटेड स्टेट्स की है, राइट। तो हीट इंडेक्स को मेजर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के लिए, आपको पता होगा कि हीट के कारण, कड़क धूप के कारण लोगों की मौत भी हो जाती है, हीट स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें हेल्प मिलती है हीट इंडेक्स के माध्यम से पॉलिसी मेकर्स को, आगे चल के आप लोग जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप इसी इंडेक्स को देखकर जो है ये पॉलिसीज बनाएंगे कि किस तरीके से अलर्ट करना है लोगों को, राइट। तो वो सब चीज है। नेक्स्ट, अब आज की डेट में आपको पता है स्ट्रॉज जो है उसका उपयोग जो है वो नहीं हो रहा, बट देखो इलीगल तरीके से तो बहुत जगह मैंने खुद देखा है सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी उपयोग हो रहा है। तो उसका एक हम लोग को देखने को मिला है कि एक ऑल्टरनेटिव आया, बैम्बू स्ट्रॉ, जिसको रीयूज कर सकते हैं। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पेटेंट ले लिया है बैम्बू बेस्ड रीयूजेबल स्ट्रॉ का, राइट, और ये डेवलप किया गया। अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, कभी कभी ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये बैम्बू की प्रजातियों के बारे में पता होना चाहिए। ये दो प्रजातियां हैं, शीजो स्टैचियम एंडामैनिसियम, राइट, शीजो स्टैचियम एंडामैनिसियम। तो ये बैम्बू की प्रजाति हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, दो वर्ड ये आपको ध्यान में रखना है, अंडमान एंड निकोबार से ये पाई गई। तो यहाँ के बैम्बू की प्रजाति से स्ट्रॉ बनाया जा रहा है, रीयूजेबल स्ट्रॉ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको एनवायरमेंट में पढ़ाई हुआ है, एनवायरमेंट की क्लास में, 1890 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को कोलकाता में देखने को मिलता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो, एडोबी, इसको एडोब नहीं बोलते, इसको एडोबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन लोग गलत करते हैं, एडोब अक्सर बोलते हैं लोग, बट ये होता है एडोबी। तो एडोबी एक्सप्रेस एक एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ये एडोबी एक्सप्रेस एप्लीकेशन करती क्या है, तो ये बेसिकली हेल्प करती है यूजर को कि यूजर जो है वो ग्राफिक्स बना सके, वीडियो बना सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्लायर बना सके, लोगो बना सके। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एडोबी, इन्होंने एग्रीमेंट किया कि बच्चों को हेल्प किया जाएगा कि बच्चे जो है वो डेवलप करें क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्लासरूम्स के अंदर एप्लीकेशंस के माध्यम से।
अब इसमें बच्चों को सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी क्रिएटिविटी और डिजिटल लिटरेसी में, राइट। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2027 तक 20 मिलियन स्टूडेंट्स और 5 लाख टीचर्स को जो है वो ट्रेन करना, सर्टिफाई करना डिजिटल लिटरेसी और क्रिएटिविटी में, राइट। काफी ज्यादा इसमें हेल्प जो है वो मिलेगा, राइट, एजुकेशन की फील्ड में इस चीज के थ्रू। तो एडोबी एक्सप्रेस ध्यान में रखना, इसने एनवायरमेंट और सॉरी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है, और एडोबी कंपनी ने, राइट, एडोबी एक्सप्रेस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा बच्चों और टीचर्स के बीच में क्रिएटिविटी ग्राफिक्स वगैरह बनाने में उनको हेल्प मिले, उनको ट्रेन किया जाएगा उस मामले में, ठीक है। तो ये था पूरा ऑल टॉपिक और ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सुनवाई होगी, राइट। अब से रेगुलर क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी, और बाकी मैं आपको कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन स्टूडेंट्स नहीं लिया है तुरंत ले लो, क्योंकि देखो नॉर्मली कोर्स जो है वो 15,000 का है, 35,000 उसकी फीस कोट करते हैं, बट 15,000 वो मिलता है कोर्स, और उस 15,000 वाला जो कोर्स है वो 1,000 स्टूडेंट्स के लिए हमें फंडिंग मिली है, वो आपको 2,500 में मिलेगा। हमें तो पूरा पैसा मिलेगा, हमें 12,500 रुपये एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराएगा, बट आप लोगों के लिए 2,500 रुपये का ही है, राइट, एक साल का बैच। तो आपको अगर लेना है तो तुरंत के तुरंत अभी के अभी इनरोल कर लो, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है बैच में, आप एक्सटेंशन ले सकते हो एक और साल का अगर आपको लेना है। तो जैसे कुछ हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो GS बैच के अंदर जो है उनको 2-3 साल बाद एग्जाम देना है, तो आप ये एक्सटेंशन जो है वो अभी के अभी ले सकते हो, उसकी सर्विस आपको बाद में जो है वो अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।